राजस्थान के उदयपुर में कन्हैयालाल की गला रेतकर हत्या करने के विरोध में गुरुवार को हरदोई और शाहबाद में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया और इस दौरान पुतला भी फूंका गया। इस मामले में आरोपितों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई, आरोपियों को फांसी भी देने की मांग की गई। साथ ही परिवार के एक सदस्य को नौकरी और परिवार को 5 करोड़ के मुआवजे की भी मांग की गई। लोगों ने कहा कि PFI को पूरे देश में प्रतिबंधित किया जाए। सिनेमा चौराहे पर बजरंग दल ने नारेबाजी कर आतंकवाद का पुतला जलाया तो कलेक्ट्रेट परिसर में गुरुवार को बजरंग दल और BHP के कार्यकर्ता पहुंच गए और जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने उदयपुर की घटना के विरोध में सिटी मजिस्ट्रेट डॉक्टर सदानंद गुप्ता को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मृतक के परिजनों को 5 करोड़ रुपए देने की मांग की गई, साथ ही एक सदस्य को नौकरी और आरोपितों को फांसी की सजा की मांग की गई है। वहीं PFI को प्रतिबंधित किए जाने की मांग की गई। दूसरी ओर शाहबाद में भी BHP कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन दिया। विश्व हिंदू परिषद के द्वारा यह ज्ञापन सौंपा गया, माननीय महामहिम राष्ट्रपति को यह ज्ञापन हम लोगों ने सौंपा है। इसमें मुख्य मांगे हैं, जिस तरीके से हिंदू समाज के साथ कट्टरपंथ की घटनाएं हो रही हैं, लोगों को मारा जा रहा है, रामनवमी के जुलूस में भी उन्होंने आक्रमण किया, करीब करीब 16 जिलों में वहां कर्फ्यू लगा रहा, ऐसी सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए, वहां राष्ट्र शासन लागू होना चाहिए। कन्हैया कुमार की हत्याकांड की CBI जांच हो और हत्यारों को मृत्युदंड दिया जाए, ऐसी धारणा के साथ हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। आतंकवादी संगठन सिमी, जिसे हम लोग PFI के नाम से जानते हैं, इस पर पूर्णतः प्रतिबंध होना चाहिए, इसके लिए हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। राजस्थान में रहने वाले राष्ट्र विरोधी ताकतें, चाहे वो राष्ट्र विरोधी ताकतें UP में हो और चाहे राजस्थान में हो, हर तरीके से उन लोगों पर प्रतिबंध लगना चाहिए, उन लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए। यहाँ कई लोगों पर गैंगस्टर की कार्रवाई हुई, लेकिन अभी तक घटनाएं बंद होने का नाम नहीं ले रही है। कभी कमलेश तिवारी के नाम पर, कभी कन्हैयालाल के नाम पर इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। पूरे प्रदेश में PFI हावी है, मुस्लिम संगठन हावी हैं और इस तरीके से हावी हैं। कट्टरपंथ और जिहाद के नाम पर लोगों की निर्मम हत्याएं हो रही हैं, वीडियो डाले जा रहे हैं और यह सब पाकिस्तान से संचालित है। इन सबको कड़ी चुनौती है विश्व हिंदू परिषद की कि अगर ये अभी शांत ना हुए तो आने वाले समय में विश्व हिंदू परिषद का एक एक कार्यकर्ता इन्हें शांत करने का काम करेगा। धन्यवाद। जय जय श्री। CIBN News की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।